हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड, एसएससी स्मार्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे, तो देख लेते हैं उनका सॉल्यूशन फटाफट। और फ्रेंड, मैं देखिए, जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ, तो प्लीज़ यार उनको सॉल्व ज़रूर किया करो, और एटलीस्ट कमेंट करके बताया करो कि सर कोई हिंट दो अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आपको हिंट और इंडिकेशन कमेंट में लिख दूंगा आपके लिए, लेकिन प्लीज़ यार एक दो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करने के लिए देता हूँ, आपके कंसेप्ट ही उससे क्लियर होंगे, तो प्लीज़ यार वो क्वेश्चन कम से कम सोल्व किया करो आप। ठीक है, और आंसर दिया करो। मेरे इस चैनल से इतने लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक दो स्टूडेंट ही हैं जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किया करो, और मेरे जितने भी कंसेप्ट हैं, मैंने जितने भी कंसेप्ट आपसे डिस्कस किए हैं वीडियोस में बताए हैं, तो उनसे आप जो एक बार रिवाइज कर लो, उनको देख लो और उनसे वो कंसेप्ट सीख लो आप। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको ए बी सी डी एक ट्रेपिजोइड दे रखी थी और इसका आपको एरिया निकालना था। देखते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ पे आपका ये चार चीज़ें कॉन्ग्रुएंट है, आपका ए डी एफ डेट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी ई विच इज़ आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू डी ई सी एंड आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ डी। ठीक है, ये सारी आपस में कॉन्ग्रुएंट दे रखी हैं। देखिए, ये आपकी क्या है, 13 है, और ये आपकी 21 है। ठीक है, आपकी ये वाली जो साइड है ए डी एफ, ठीक है, ए डी एफ आपका बी सी ई, बी सी ई के साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये है कि बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ये क्या करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी। ठीक है, अगर वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगी, ठीक है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, और ये आपका ए डी परपेंडिकुलर टू डी एफ दे रखा है आपका, यानी कि ये आपका 90 है, तो ये भी आपका 90 होगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी आपका 90 होगा, तो फिर इस वजह से हम कह सकते हैं कि आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका इक्वल होगा। ठीक है, सिमिट्री की वजह से, बिकॉज ई एफ दोनों का क्या है, एक कॉमन पार्ट है। फर्दर हम कह सकते हैं कि दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं, वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं होगा अप्लाई। ठीक है, वो एक अलग कंसेप्ट हो गया यहाँ पे। तो ये आपका 90 हो गया, तो ये भी आपका 90 हो गया, बिकॉज इट इज़ गिवन कि ये आपका 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए ई इज इक्वल टू आपका बी एफ हो गया। ठीक है, इसी वजह से आपका ये वाली साइड कितनी बनी, आपकी टोटल 21 है। ठीक है, सो 21 इज इक्वल टू 2x प्लस आपका ई एफ हो गया। यहाँ पे देखिए, आपकी ये वाली जो साइड है डी सी और ये वाली जो ई सी है, ये आपकी क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, डी ई सी और आपका ये बी सी ई, बी सी ई ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों का एरिया भी बराबर होगा। ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से आपकी बी ई की लेंथ कितनी आ गई, आपकी 13 आ गई। ठीक है, बी की लेंथ आपकी 13 आ गई, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये आपका वाई मान रखा है मैंने, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपकी 13 है, तो यहाँ से आपका एक एक्स निकल जाएगा इज इक्वल टू 13, ये आपका कितना आ जाएगा, 8, यानी एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 8, ये 8, ये 8, और ये आपका हो गया 5। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, वेरी इजी कंसेप्ट। अब अगला कंसेप्ट आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। अब यहाँ पे देखिए, आपका डी ई एफ, ठीक है, इसका एरिया और ई एफ सी इसका एरिया आपका बराबर होगा। ठीक है, अगर इनका एरिया आपका बराबर है, हाँ जी, यहाँ पे देखिए, आपका ये डी ई एफ का एरिया और आपका सी ई एफ का एरिया आपका बराबर होगा, बिकॉज दो पैरेलल लाइंस और सेम बेस के बीच में बना है, मैंने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की आपके साथ। फर्दर आपका ये ए डी ई, ए डी एफ आपका सिमिलर है आपका बी सी ई के, सिमिलर हो गया। सिमिलर होने की वजह से आपका ये एंगल और आपका ये एंगल बराबर हो गया। ठीक है, ये दोनों एंगल आपके क्या हो गए, बराबर हो गए। अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी आपका थीटा हो गया, और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल आपका थीटा हो, बिकॉज दे आर इन,
मेड अप ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, इतना आपको पता लग गया। अब आप एक चीज़ देखिए ज़रा ध्यान से, आपका ये डी ई एफ, ये जो ट्राइंगल डी ई एफ है, ये आपकी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, बिकॉज सेम एरिया है इनका, ठीक है। देखिए सेम एरिया होने की वजह से, सेम एरिया होने की वजह से मैं कह सकता हूँ आपका ये एंगल, ये एंगल आपका इक्वल हो गया, ठीक है, और आपकी डी ई जो है सी एफ साइड के इक्वल हो जाएगी, ई एफ ई एफ तो आपकी इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका डी एफ इज इक्वल टू आपका सी ई है, डी एफ आपका सी ई है। ये इक्वल क्यों है, बिकॉज आपका ये दोनों चीज़ें आपकी कॉन्ग्रुएंट दे दी, ठीक है। ये दोनों देखिए, ये आपका डी ई सी है और ये आपका सी ई बी है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। इस कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ही ये आपकी जो साइड है डी ई, सॉरी ये डी एफ, सॉरी इन दोनों ट्राइंगल में ए डी एफ और आपका बी सी ई, ए डी एफ और बी सी ई, ये आपका डी एफ इज इक्वल टू सी ई हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से ये कॉन्ग्रुएंट होगी आपकी ट्राइंगल डी ई एफ, और इधर से आपका ये ट्राइंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब डी ई के साथ आपकी क्या होगी, सी एफ होगी, इधर से आपका सी, इधर ई के साथ एंगल आपका एफ है, सी एफ ई, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि आपका इनका ये जो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब ये ट्राइंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो डी ई ओवर में ई एफ इज इक्वल टू आपका डी एफ ओवर में सी ई, अब डी एफ ओवर में सी ई ये तो इक्वल हैं, तो 1:1 हो गया। सो मैं कह सकता हूँ डी ई इज इक्वल टू ई एफ हो गया, ठीक है, यानी कि डी ई इज इक्वल टू ई एफ हो गया, यानी कि ये भी आपका 5 है। अगर ये आपका 5 है तो मेरे को एक चीज़ पता थी कि ये जो ट्राइंगल है आपकी ए डी एफ सिमिलर है आपका, ए डी एफ सिम कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करती है ये बी सी, ये हमें गिवन है, गिवन होने की वजह से ए डी ओवर में आपका बी सी इज इक्वल टू आपका डी ई, सॉरी डी एफ ओवर में सी ई, और डी एफ ओवर में सी ई आपका इक्वल है, इक्वल होने की वजह से ए डी इज इक्वल टू आपका बी सी हो गया, ठीक है, ये और ये अभी आपकी इक्वल होगी। वैसे भी ये पैरेलल लाइन है तो ये तो आपस में इक्वल होनी ही थी। अब ये बात है कि इसमें और इसमें कोई रिलेशन है क्या, वो भी देख लेते हैं। ये ट्राइंगल देख लीजिए ए डी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई सी, है ना मेरे पास ए डी एफ, बस सारी सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज़ करना है, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई सी, ये गिवन है हमें सारी चीज़ें। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं कह सकता हूँ कि जो ट्राइंगल है आपकी ए डी ओवर में डी ई इज इक्वल टू डी एफ ओवर में ई सी, अब डी एफ ओवर में ई सी ये तो इक्वल है, तो ए डी इज इक्वल टू डी ई हो गया आपका। अगर आपका ए डी डी ई के इक्वल है तो ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये आपका यहाँ पर। अब मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि ट्राइंगल या तो इक्विलेटरल हो या आइसोशियलस हो, अगर आप उसे सीधा एक रे ड्रा करते हो तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, एक सीधी रे ड्रा करोगे तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा, ये 4 हो गया तो ये भी 4 हो गया, ठीक है, और ये आपका 5 दे रखा है, ये 4 है, तो ये आपका कितना निकल गया, ये आपका 3 निकल गया, ठीक है। यहाँ पे अगर ये आपका 3 निकल गया तो आप इसका एरिया डायरेक्टली निकाल पाओगे, क्योंकि हाइट ही तो हमें चाहिए थी, हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, 13+21 इंटू हाइट, हाफ इंटू ये आपका आ गया 3 और 1 4, 2 और 1 3 इंटू 3, तो ये आपका आ गया 51 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। सेकंड पार्ट अब आप खुद कर सकते हैं, मैं एक हिंट दे देता हूँ, सेकंड पार्ट का आंसर हो गया आपका 27 आंसर है, उसमें आपका ये एरिया और ये एरिया आपको माइनस करना है। देखिए अगर आपके पास ये 5 है
तो आप इसमें सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगा सकते हो, बी पी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी ए बी, ठीक है, ये 13 है, ये 21 है, ये 5 है, तो आपको ये साइड निकल जाएगी आराम से। अगर ये साइड निकल गई तो वो सेम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको फॉर्मूला ही लगाना है सिंपल, ठीक है। इसका एरिया पता है, इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो सिंपल, वही एक्स ओवर में एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स ओ एम ओवर में एम प्लस एन, ठीक है, वही वाला फार्मूला लगाना है कि एक ट्राइंगल है, ये इसको एक्स वाई में डिवाइड कर रहा है और ये एम एन में डिवाइड कर रहा है, तो एम बाई एन इंटू ट्राइंगल ऑफ ए बी सी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है, वो फॉर्मूला इस पर लग जाएगा। आंसर 27 एक बार देख लीजिएगा। सो तब तक के लिए धन्यवाद, एंड प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और नए सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पुरानी वीडियोस देख लीजिए भाई, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे जितने भी मैंने अपनी वीडियोस में कवर किए हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ अपने दोस्तों तक वीडियोज़ ज़रूर पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ।